Welcome. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी. वेरी गुड मॉर्निंग. कैन यू हियर मी? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आई कैन रीड योर मैसेजेस. आपके मैसेजेस मेरे सामने ओपन हो चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने इस लिंक को जल्दी से कॉपी करके शेयर भी कर दिया होगा. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, आ गए हम. तो कोरोना कोरोना तब से आप लोग चिल्ला रहे हो कि क्या कोरोना का इफेक्ट जो है वो दिल्ली में भी हो गया है, कर्नाटका में भी हो गया है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहली चीज़ तो गुड मॉर्निंग तो हो ही गया है यहाँ पे. एग्जैक्टली, यहाँ पे दो डेथ भी हो चुकी हैं. सबसे पहली जो थी वो कर्नाटका में हुई थी, राइट? तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे. लेकिन उससे पहले जल्दी से लिंक को कॉपी करके इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों की नींदें नहीं खराब हुई हैं, जल्दी से नींद खराब करो. अब इसमें देखो, कुछ चीज़ें आपको पहले बता देते हैं कि जो अनअकैडमी पे बैचेस चल रहे हैं, आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि मैम अनअकैडमी पे आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा, हमें डेमो क्लास देखना है एंड ऑल, यही सब बातें तो बोलते हो ना. तो देखो, पहले तो ये बता दें कि डीआरडीओ के जो बैचेस हैं ये ऑलरेडी लाइन अप हो चुके हैं, ठीक है? एसबीआई, आरबीआई, मेन्स के जो बैचेस हैं वो भी लाइन अप हो चुके हैं, तो आप उसको अवेल कर सकते हो. कौन सा कोड यूज करना है? दैट विल बी वाईफाई चार. लेकिन इसके अलावा आपके लिए एक गुड न्यूज भी है. बताई जाए अभी, गुड न्यूज आपको बताई जाए. यहाँ पे देखिए, अनअकैडमी 20,000 फ्री लाइव क्लासेस. कुछ समझ में आया? यहाँ पे अनअकैडमी जो है वो आपके लिए इतने सारे यहाँ पे लाइव क्लासेस लेके आने वाला है. अब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि लाइव क्लासेस कहाँ, क्या, कैसे होगा, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे कनेक्ट होने वाली हूँ अभी सुबह इस क्लास के खत्म होने के बाद 8:30 बजे. 8:30 बजे एक बार से मेरे साथ फिर से जुड़ना मत भूलना. इस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे. कौन से क्लासेस होंगे, कैसे क्लासेस होंगे, क्या यहाँ पे कुछ हमें फी पे करनी पड़ेगी या टोटली फ्री होने वाले हैं, क्या सिर्फ मेरे क्लासेस आप देख पाओगे या किसी और के भी क्लासेस देख पाओगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करेंगे. कितने बजे? 8:30 बजे, ठीक है? तो 8:30 बजे मेरे साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा. अब देखो, सेशन में क्या रहने वाला है वो हम आपको पहले बता देते हैं. सबसे पहले तो जो अनअकैडमी की क्लासेस हैं वो मैंने आपको बता ही दिया. कोड क्या यूज़ करना है? वाईफाई चार. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो बैचेस हैं वो है एनटीपीसी का, एसएससी का. तो देखो, एग्जाम जो है अब तो वो लाइनअप हो ही गया. लेकिन एसएससी के बैचेस में भी जो अभी हम लोग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें शुरू करने वाले हैं वो भी अनअकैडमी पे मिलने वाला है. और इसके अलावा एसबीआई और आरबीआई के मेंस के क्लासेस वो भी लाइनअप हो चुके हैं. तो अगर आप उसको अवेल करना चाहते हो तो आपको कोड क्या यूज़ करना है? दैट विल बी वाईफाई चार. मी फाइन, बिल्कुल ठीक है. हाँ भी बिल्कुल ठीक है. हाँ, थोड़ा सा पेन है अभी. चलिए, अच्छा, आप देख लेते हैं कि सेशन में क्या क्या रहने वाला है. जल्दी से लिंक को कॉपी करके शेयर करना शुरू कर दो. सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज़ हेडलाइन और कोरोना की वजह से अब अनअकैडमी ने क्या स्टेप्स आपके लिए लिए हैं, उसके लिए फिर से एक बार बता दें, 8:30 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलना. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. तो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी 8:30. तो न्यूज़ हेडलाइंस रहेंगी, पहले उनके बारे में डिस्कशन होगा, फिर देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़. और ये जो एमसीक्यूज़ रहेंगे ये 10 तारीख के भी होंगे. और इसके अलावा 10th की जितनी भी न्यूज़ है वो मैंने आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में भी अरेंज कर दी है. प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, न्यूज़ एनालिसिस चलेगी, स्पोर्ट्स न्यूज़ होगा. स्टेट न्यूज़ के पार्ट पे आज हम लोग उत्तराखंड का स्टैटिक डिस्कस करने वाले हैं. और कंट्री के पार्ट पे भी हम लोग मेडागास्कर डिस्कस करेंगे. मेडागास्कर न्यूज़ में था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मेडागास्कर से ही शुरुआत करते हैं. होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बच के रहना सब लोग, कोरोना ना हो गया, तुम लोग तो हाथ किए हो. अच्छा, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहले जो आप लोगों ने कमेंट किए थे कमेंट सेक्शन में, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ था. सिमरन, सोनालिका, सौरभ, इन सब लोगों ने वहाँ पे आंसर किया. इसी तरीके से डिटेल में आंसर किया करो जब भी हम कोई सवाल आपसे पूछते हैं. देखो, इससे प्रॉफिट मेरा नहीं है, प्रॉफिट आपका होगा. अब एग्जाम जो देखो वो तो है लाइंड अप, राइट? अब लास्ट मोमेंट पे जाके अगर आप ये सोचो कि यार ये भी किताब पढ़ लें, वो भी किताब पढ़ लें, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. तो लास्ट मोमेंट टिप्स क्या होती हैं? हमेशा जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वहाँ से पढ़ना शुरू करो. हमें रोकने वाले, हमें पीछे खींचने वाले तो हज़ार मिलेंगे, लेकिन आगे ले जाने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो आप खुद हैं. तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको यहाँ पे आर क्यूब का जो फॉर्मूला है वो फॉलो करना है. यानी कि चीज़ों को रीड करना है, फिर उनको रिविजन एक पूरा प्रॉपर देना है, जिससे क्या होगा वो चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रह पाएंगी, रुक पाएंगी एक लंबे समय तक, ठीक है? चलिए, अच्छा, शुरुआत करते हैं आप इस सेशन की. सबसे पहले कोरोना वायरस न्यूज़ हेडलाइंस पहले देख लें, उसके बाद चलते हैं हम लोग और क्या क्या बात करनी है उसके बारे में बात करेंगे. देखो, कोरोना वायरस की वजह से अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि इसका जो नाम दिया गया है दैट इज़ COVID-19. और ये नाम दिया गया है WHO के द्वारा. WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दैट इज़ इन जिनेवा. अब COVID-19 की वजह से US के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है.
इससे पहले कोरोना वायरस को पेंडेमिक भी डिक्लेयर किया गया. पेंडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी अगर ऐसी बीमारी है, कोई भी अगर ऐसी डिजीज़ है जो बहुत सारे कंट्रीज़ को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस देखने को मिले और बहुत सारी डेथ भी अगर उसकी वजह से होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेंडेमिक कहते हैं, राइट. एक होता है एपिडेमिक. सुना ये वर्ड, एपिडेमिक वर्ड कितने लोगों ने सुना है, जल्दी से बताना. सिमरन के नाम से तुम लोग पता नहीं कितना परेशान हो. एपिडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी अगर ऐसी बीमारी है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में है, किसी एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया पे ही सिर्फ अगर मिलती है तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोरोना को यहाँ पे पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज में हो गया एंड काफ़ी सारे मतलब 1 लाख से ऊपर केसेस अब देखने को मिल रहे हैं. इवन इंडिया में 2 डेथ हो चुकी हैं. सबसे पहली जो डेथ हुई वो कर्नाटका के अंदर हुई. अब देखो यार, इन सब चीज़ों के चलते इफेक्ट क्या क्या हो रहा है वो सब हम बात करेंगे. तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लग गई, कहाँ पर, US के अंदर. तो क्या सिर्फ US के अंदर इमरजेंसी लगने से चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी? नहीं होंगी. देखो, जो हमारा सेंसेक्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, GDP जो है वो स्लो डाउन हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना की वजह से या फिर COVID-19 की वजह से जो हमारा पूरा मार्केट है वहाँ पे भी स्लो डाउन हो रहा है. सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है वो भी इफेक्ट हो रही है. तो हेल्थ एंड इकोनॉमी जब दोनों इफेक्ट करेंगी, जब दोनों इम्पेक्ट करती हैं, तो कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो एक स्टैग्नेट पोजिशन पर चली जाती है, हम कह सकते हैं वो एक स्टेबल पोजिशन पर चली जाती है, ठीक है. तो USA के अंदर अभी इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है. नेक्स्ट देखो, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या बोला गया. नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि SAARC के अंदर जितने भी देश हैं उन सबको साथ में मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर उसको क्योर करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए. ओके, जीका वायरस एपिडेमिक, बिल्कुल करेक्ट. फर्स्ट डेथ जो है वो लद्दाख नहीं, वो कर्नाटका है, ध्यान रखना शिवानी. फर्स्ट डेथ कर्नाटका है, मैंने कल ही पढ़ाया था इस चीज को. ओके, गुड मॉर्निंग भाई, जो लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं गुड मॉर्निंग. या सेशन को शेयर और लाइक करते जाया करो. ये चीज़ें मेरे कहने के लिए नहीं होती हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू, ये आपको करने ही होता है ये काम इतना. ओके, अब देखो यहाँ पे SAARC नेशंस को बोला है ना यहाँ पे, तो अब SAARC नेशंस का वर्ड आया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका मतलब क्या है. तो यहाँ पे जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं उनका एक रीजनल कॉपरेशन ग्रुप है जिसको हम SAARC के नाम से जानते हैं. टोटल कितनी कंट्रीज हैं, टोटल इसमें 8 देश आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. इसको स्टैब्लिश कहाँ पे किया गया था, तो ढाका के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था. 2 अलग स्टेटमेंट है, हेडक्वार्टर काठमांडू, स्टैब्लिश कहाँ किया गया, ढाका के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर एग्जाम पॉइंट से पूछा जाता है बिम्स्टेक के बारे में, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो बिम्स्टेक की जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करी गई थी ये कहाँ पर आयोजित करी गई, तो ये विशाखापट्टनम में हुई. ध्यान देखना कॉन्क्लेव बोला है. उसके बाद बिम्स्टेक के देशों के द्वारा जो अभी हाल ही में ड्रग के अगेंस्ट एक मीटिंग बुलाई गई थी वो कहाँ पे हुई, वो दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई थी. और बिम्स्टेक की जो एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो पूरी के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई. बिम्स्टेक में टोटल कितने देश आते हैं, टोटल 7 कंट्रीज आती हैं, राइट. जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक के अंदर आती हैं. ओके शिवानी, राइट. जल्दी से आंसर करके बताओ कि अगर हम बिम्स्टेक बोलते हैं, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज आती हैं, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो SAARC का हिस्सा है लेकिन बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है. क्योंकि बिम्स्टेक में वो सारी कंट्रीज भी आती हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं लाइक नेपाल, भूटान, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से तो नहीं लगते लेकिन फिर भी वो बिम्स्टेक का हिस्सा है. जल्दी से आंसर करके बताओ. और SAARC के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो बिग ब्रदर के रूप में काम करता है. ओके चलिए जल्दी से आंसर करके बताओ. अब देखो अगला यहाँ पे फिर से कोरोना वायरस से जुड़ी हुई न्यूज़पेपर में हेडलाइन है. अब ये क्या है, कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, इनकी जो वाइफ है, इनको भी यहाँ पे जब टेस्ट किया गया तो ये भी पॉजिटिव पाई गई हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अब ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे ये केसेस देखने को ना मिले. अब देखो इससे ना हम लोग यहाँ पे ये केसेस वगैरह तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो भी तो इफेक्ट हो रहे हैं. स्कूल्स बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हो रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए अन अकेडमी आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया है जहाँ पर आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब अन अकेडमी अगर आपके लिए कुछ लेके आया तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है. अब अन अकेडमी आपके लिए क्या चीज़ें लेके आ रहा है, तो इसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है कितने बजे, 8:30 बजे, अभी 8:30 बजे, सेशन खत्म होने के सिर्फ आधे घंटे बाद. तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपके लिए लाइंड अप करेंगे. ओके चलो. अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्रेज रिपब्लिक,
ओके आप लोगों ने आंसर किया है कनाडा कैपिटल ओटावा। अरे वाह तुम लोग कितने अच्छे हो गए। कनाडा के पार्ट में याद रख लेना भाई ओटावा इसकी कैपिटल रहेगी। ओटावा है इसको इटावा मत कर दीजिएगा। ओटावा कैनेडियन डॉलर है इसकी यहाँ पे करेंसी। इसके साथ यहीं पर आपको मिलती है एक जगह जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इज अ हेडक्वार्टर। किसका हेडक्वार्टर है? बाडा का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और अगर मान लो इन केस पूछा जाता है कि बाडा ने अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के ऊपर बैन लगाया है 4 साल का, तो दैट इज रशिया। नाडा अगर पूछा जाएगा तो नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेशनल लेवल पर है ना, तो नई दिल्ली के अंदर। और इसके एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? तो सुनील शेट्टी जी को इसके एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके अगला देखो, क्रेज रिपब्लिक यूरोप की एक कंट्री है। इन्होंने क्या किया है, कोरोना वायरस के चलते जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितनी भी बाउंड्री लाइन्स हैं, वहां से सिटीजन्स को आने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। मतलब इन्होंने जो अपनी बाउंड्रीज हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब क्या हमारे एग्जाम में ये पूछेगा कि क्रेज रिपब्लिक ने किसको आने से मना कर दिया, किसको आना अलाउ करेगा? नहीं, ये थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा इसकी लोकेशन। तो देखो क्रेज रिपब्लिक नजर आ रहा है आपको, दिस इज क्रेज रिपब्लिक। कैपिटल क्या हो जाएगी? पैराग्वे हो जाएगी। करेंसी क्या रही? पैराग्वे एक कंट्री भी है कहाँ पे? साउथ अमेरिका के अंदर। तो उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। रेलवे में क्लासेस जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है, उसके लिए परेशान मत हो, वो क्लासेस भी हम स्टार्ट कर देंगे। ओके स्पेशल क्लासेस ही हैं अन अकेडमी पे, आपको अप्रॉक्स 20,000 फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलने वाली हैं। इसी के लिए मैंने आपको बोला कि 8:30 बजे मेरे साथ कनेक्ट होना मत भूलना। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वहां पे देने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कोरोना रहेगी, इसकी कोरोना है, जरा ध्यान से पढ़ लेना, पता चला इसको भी COVID-19 लिख के चले आओ। ये है इसकी क्या करेंसी। अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, क्योंकि बाउंड्रीज को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, तो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि जर्मनी जो है वो क्रेज रिपब्लिक के साथ बॉर्डर शेयर करती है या फिर नहीं करती है। जर्मनी के पार्ट पे आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, राइन रिवर। कई बार आपको मैंने बताया है राइन रिवर जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करती है, और इसको बोला जाता है रू ऑफ जर्मनी, क्योंकि इसके आसपास को जो रीजन है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयले का यानी कि कोल का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जर्मनी की इकोनॉमी को भी अच्छा एक आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है चलिए, अच्छा देखो उसको प्रोग भी बोल सकते हो, इसको इस टर्म से भी बोला जा सकता है। अच्छा जो लोग पहली बार कनेक्ट हुए हैं ना, ना 8:30 बजे कहाँ कनेक्ट होना है, इसी सेम चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे ही कनेक्ट होना है। अन अकेडमी पे जाके कनेक्ट नहीं होना, यहीं पे जहाँ पे भी आप ये सेशन देख रहे हो सेम इसी चैनल पे 8:30 बजे कनेक्ट होना है, ताकि आपको जितने भी फ्री क्लासेस आ रहे हैं उन सबके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके। तो 8:30 बजे एग्जैक्ट 8:30 बजे। ठीक है चलिए, अच्छा यहाँ पे शुरुआत करते हैं MCQs की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर करना शुरू करो। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम की कैंपेन को शुरू किया गया ताकि COVID-19 से बचाव किया जा सके। अब देखो कई सारी ऐसी आप लोगों ने इमेजेस देखी होंगी, चाहे वो इजराइल की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो US की हो, जहां पे हैंडशेक की जगह पर नमस्ते को यूज करना शुरू किया गया। मतलब लोग जो है वो हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे कोविड के फैलने के जो चांसेस हैं, जो आसार हैं, वो थोड़े से ज्यादा हैं। अब इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर ये कैंपेन शुरू किया गया है, जल्दी से आंसर करके बताओ। केरला, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, UP और कर्नाटका। ब्लैक फॉरेस्ट इज इन जर्मनी, बिल्कुल करेक्ट। ब्लैक फॉरेस्ट सुनते ही ना तुम लोग को पेस्ट्री याद आएगी, तुम लोग से उम्मीद भी हमको यही है। आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी कर्नाटका। अब देखो कर्नाटका के बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, फिर आते हैं ऑप्शंस के बारे में। देखो कर्नाटका सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इस कैंपेन को शुरू किया गया ताकि COVID-19 को फैलने से रोका जा सके। कर्नाटका में सबसे पहली डेथ हुई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन केस एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला कोविड का जो केस इंडिया में मिला कहाँ, केरला के अंदर, सबसे पहली जो डेथ हुई इंडिया के अंदर दैट इज इन कर्नाटका। कोविड की वजह से चाइना के बाहर जो सबसे पहली डेथ हुई है वो कहाँ पर हुई? वो फिलीपींस के अंदर हुई। फिलीपींस की कैपिटल हो जाएगी मनीला। कहाँ पर लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ADB का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB के अंदर टोटल कितने यहाँ पे कंट्रीज आती हैं? 68 हैं। न्योई जो है वो लेटेस्ट वाली है, और असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरा देखो कर्नाटका से जुड़ी हुई कल मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर करी थी, वो थी सह्याद्री मेघा पैडी क्रॉप। अब ये सह्याद्री मेघा पैडी जो है ये धान की एक नई तरीके की प्रजाति है, एक नई वेराइटी डेवलप करी गई है। ये भी कौन से स्टेट में डेवलप हुई? तो ये भी कर्नाटका के अंदर ही डेवलप हुई थी। कर्नाटका के पार्ट से अगर स्टार्टिंग पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखो बेंगलुरु।
बैंगलुरु के बाहर से पूछ सकते हैं, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बैंगलुरु, इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलुरु। नेक्स्ट, यहीं पे कर्नाटका में आपको नागरहोल नेशनल पार्क मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे कुद्रेमुख नेशनल पार्क रहेगा। एंड एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपको लालबाग गार्डन भी मिलता है। कई बार एग्जाम में छोटे मोटे सवाल में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। कर्नाटका का जो अभी एक फेस्टिवल है उसका नाम क्या है, कंपाला फेस्टिवल। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं, यार सेशन को शेयर भी करते जाओ, मतलब अब ये टाइम आ गया मुझे बोलना पड़ रहा है इतनी बार। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लें, वरना ऑप्शन बुरा मान जाएंगे। केरला सबसे पहले, ओके चलिए, ये सिलिकॉन सिटी राइट, ठीक है। देखो केरला से साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो जाएगा, इसके बाद पेरियार नेशनल पार्क, इराबिकुलम नेशनल पार्क, मुला पेरियार डैम भी केरला के अंदर है। यहाँ पर आपको वेम्बानंद लेक मिलती है, सबरीमाला टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर रहेगा कि बोट रेस ऑर्गेनाइज करी जाती है ओनम के फेस्टिवल पे। तो इतने सारे मैंने आपको फैक्ट बता दिए केरला के पॉइंट से। अगला है तमिलनाडु, तमिलनाडु से पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, 4 दिन का यह त्यौहार है। और दूसरा वाला जो दिन होता है पोंगल का, उस दिन जलीकट्टू नाम का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पर मुकुर्दी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, और इसके साथ में एक और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे। और शोर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, शोर टेम्पल कहाँ पर है, दिस इज इन तमिलनाडु। अगला देखो नई दिल्ली, नई दिल्ली से जुड़ा हुआ देखो अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा CAA के बारे में चर्चा हो रही है, या फिर इसके अलावा बात करी जा रही है यहाँ पे COVID-19 के बारे में। तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बट हाँ यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह हैं उनको शट कर दिया गया है 31 मार्च तक के लिए। जितने सिनेमा हॉल्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, मॉल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। यूपी के बाहर से देखो, यहाँ पे यूपी से आगे जुड़ी हुई एक न्यूज है, इससे यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये नजर आ रही है इमेज, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे चीजों को अडॉप्ट किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो इंडिया को फॉलो किया जा रहा है, दैट्स गुड। अब चाहे उसका रीजन यहाँ पे COVID-19 हो या फिर कुछ और हो। ओके नेक्स्ट देखो, अगला सवाल इसको आंसर करो, हैप्पी आवर्स, हैप्पी आवर्स कौन से स्टेट ने शुरू किया? जल्दी से आंसर करके बताओ। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में हैप्पी आवर्स की शुरुआत करी है, जिसमें 15% तक जो फेयर्स होते हैं, रिक्शे के जो चार्जेस होते हैं, उसको कम कर दिया जाएगा 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके द्वारा ये काम किया गया है, नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम क्या होगा, दैट विल बी महाराष्ट्र के अंदर ये काम किया गया। अब देखो पार्ट क्या क्या याद रखना है, महाराष्ट्र से सबसे पहले तो हमको मुंबई ध्यान में आना है, और मुंबई के अंदर मैंने आपको बताया था कि ई गवर्नेंस की जो बैठक हुई थी मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई थी, टैप वाटर इंडेक्स के अंदर जो नंबर टॉप पे आता है दैट इज मुंबई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी इंडेक्स के अंदर जो सबसे लोवेस्ट है, यानी कि जहाँ पर सबसे खराब टैप वाटर आता है, दैट इज न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ही आपको मिलता है लूनार लेक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तडोबा नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज इन महाराष्ट्र। ओके अभी देखो एक वो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था, जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल, कहाँ पे, मुंबई के अंदर। अब मुझे जरा ये बताओगे मुंबई में अभी एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसका नाम मेंशन करो कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा फेस्टिवल था जिसको मुंबई के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया था। तब तक देखो गुजरात के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल यहाँ पे हो जाएगी गांधीनगर, एंड गांधीनगर सबसे पहली केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट है किसकी, गुजरात की। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे अहमदाबाद इसकी लार्जेस्ट सिटी है। कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क होंगे, तो गिर नेशनल पार्क रहेगा, ब्लैकबक नेशनल पार्क, इसके अलावा यहाँ पे नर्मदा रिवर, तापी रिवर और माही रिवर, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गुजरात की। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आपको याद रखना है दैट इज नर्मदा महोत्सव, कहाँ पे मनाते हैं, गुजरात के अंदर, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, काला घोड़ा, वेरी नाइस, मतलब याद हो गया तुम लोगों को ना, मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें आप लोगों को याद होती जा रही हैं। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो SCO के अंदर अभी हाल ही में 8 वंडर जो ऐड किए गए हैं उसके अंदर आपको 1 वंडर देखने को मिल रहा है, ठीक है। SCO के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं, टोटल यहाँ पे 8 देश आते हैं, जिसमें 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया था। अब देखो यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ है, तो हरियाणा के अंदर सूरज कुंड मेला अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इसमें पार्टनर स्टेट कौन सा रहा, हिमाचल प्रदेश, और पार्टनर
कंट्री कौन सी रही? उज्बेकिस्तान रही। गोवा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो गोवा के अंदर नेशनल गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जरा जल्दी से मुझे मैस्कॉट कमेंट सेक्शन में आंसर करो, गोवा के अंदर जो नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उसका मैस्कॉट क्या है? करेक्ट, नर्मदा महोत्सव ऑल्सो इन MP, बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस। आंसर करके बताओ, SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग हो जाएगा, 8 कंट्रीज हैं, वेरी गुड। हाँ जी बताओ जरा मुझे जल्दी से आंसर करके बताओ कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अभी, थोड़ी देर में हम क्वेश्चन ही ना भूल जाए। मैस्कॉट क्या है यहाँ पे जो नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं गोवा के अंदर? अगला सवाल देखो, इंडिया ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, कितने का? $80 मिलियंस का, क्लाइमेट चेंज के लिए, और इसको लागू किया जाएगा ग्राम पंचायत के अंदर। वो कौन सा स्टेट है जिसने यहाँ पर अभी इस तरीके का रबीगुला, वेरी गुड, रबीगुला रहेगा इसका, आउल फेस्टिवल इन पुणे, इंटरनेशनल आउल फेस्टिवल, ठीक है? चले आगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है। अमाउंट ध्यान रखिएगा, $80 मिलियन इसका अमाउंट रहेगा। अच्छा एक बार फिर से बता दें, जो लोग बाद में कनेक्ट होते जा रहे हो, 8:30 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। अनअकैडमी के कुछ फ्री में क्लासेस शुरू होने वाले हैं ताकि आपको भी उसका जो प्रॉफिट है वो मिल सके, तो उसका पूरा डिटेल के लिए मेरे साथ कनेक्ट होना है। कितने बजे? 8:30 बजे, सेम यूट्यूब चैनल पे, यहीं पे आपको कनेक्ट होना है, ओके? चला जाए आगे। अच्छा अब मुझे ये बताना, हिमाचल प्रदेश में अभी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, मैंने कल ही आपको बताया था फेस्टिवल का नाम, कमेंट सेक्शन में फेस्टिवल का नाम बताओ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी मनाया गया था। उसके बाद MP पे आ जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, नेक्स्ट हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये और फॉसिल नेशनल पार्क, कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं MP के पार्ट से। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, देखो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, आपको मालूम ही है ज्योतिराव सिंधिया की जो जगह है वो यहाँ पे अब देखो खाली हो गई MP के अंदर, तो अब बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। और अभी कल ही यहाँ पे बोला गया है कमलनाथ जी के द्वारा कि 16 मार्च को जब यहाँ की जो संसद है उसकी जो कार्यवाही शुरू होने वाली है ना, संसद कह रहे हैं, यहाँ की जो विधानसभा है उसकी कार्यवाही शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी पार्टी होती है ना उसको प्रूव करना होता है कि उनके पास सफिशियंट मेंबर हैं कि वो अपनी पार्टी को सत्ता में रख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर टेस्ट बोलते हैं। कुछ टाइम पहले कर्नाटका में भी ये चीज़ हुई थी, अब ये कहाँ पर होगी, MP के अंदर होगी। तो 16 मार्च के बाद देखने को मिलेगा कि फ्लोर टेस्ट जो है जब वो होता है तो क्या यहाँ पे कांग्रेस दोबारा से अपनी सरकार बना पाती है कि नहीं बना पाती है। अगर आज सुबह का 6 बजे का क्लास नहीं देखा है एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, तो एक बार देख जरूर लेना, उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। ओके ये COP26 कहाँ से आ गया? COP पागली, करेक्ट, ओके इतने एक मंथ बाद आया हूँ, चलिए। अच्छा हाँ, अंशु जी के एक मंथ बाद आए, कहाँ थे सर आप लोग ऐसे खो जाते हो। ओके केरला के बारे में बात कर ली, कर्नाटका के बारे में बात हो ही गई है, तो आज सच यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखो केरला के पॉइंट से क्या क्या न्यूज़ का पार्ट है वो बात कर लेते हैं। CM और गवर्नर तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स और इसके अलावा SDG इंडेक्स में भी केरला टॉप पे रहा है। कर्नाटका के पार्ट पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका टॉप पे है और यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के इंडेक्स में भी कर्नाटका टॉप पे रहा है। सुरंगा बवाड़ी ये जो है ये आपको जगह मिलती है कर्नाटका के अंदर और इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने की बात बोली गई थी। इसके अलावा देखो विजया बैंक हेरिटेज म्यूजियम भी डेवलप किया जा रहा है कर्नाटका के अंदर और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भी कर्नाटका के द्वारा जीती गई थी। किसको हराया था? तमिलनाडु को यहाँ पे बीट किया था। MP के पार्ट से देखो क्या याद रखना है हमको, सबसे पहले नेशनल कल्चरल फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। मदद स्कीम कहाँ की है? MP की है। और टाइम्स बैंक कहाँ का है? तो ये भी MP के अंदर ही सबसे पहला है, मतलब एक ही स्टेट है जहाँ पे आपको टाइम्स बैंक मिलता है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, कुछ याद आ रहे हैं ये पॉइंट्स? तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चलो, युवा विज्ञान कार्यक्रम, इसका आंसर करो। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु नंबर 1 पे, वेरी गुड नीरज, राइट। आंसर बताओ इसका, अब मतलब तुम लोग को ठीक है, फाइन, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल जिंदा हूँ ना, दैट्स सफिशिएंट। इसका आंसर करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा इसरो के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दैट इज इन बेंगलुरु। इसके चीफ कौन है? तो के सिवान जी रहेंगे। अभी यहाँ पर बोला गया है कि चंद्रयान 3 के लिए जो फंडिंग है वो यहाँ पे सरकार के द्वारा कर दी जाएगी, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2022 में एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2021 में हाफ ह्यूमनॉइड जो है व्योम मित्र
उसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस में, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो क्या कर रहा है आजकल, काफी सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना उनको भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, ताकि उनके भी जो सेटेलाइट्स वगैरह हैं कम पैसे में उनको भी लॉन्च करने का काम इसरो के द्वारा किया जा रहा है। नासा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डीआरडीओ का कोई रोल नहीं है, और जेक्सा, जेक्सा कहाँ किया? दिस इज ऑफ जापान। डीआरडीओ के पार्ट से भाई याद रख लीजिएगा, नई दिल्ली हेडक्वार्टर हो जाएगा, सतीश रेड्डी जी इसके चीफ रहेंगे। एंड इसके अलावा एक और चीज, अग्नि 2K4 मिसाइल है ना, ये दो जो मिसाइल्स वगैरह ना ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसको याद रख लेना, क्योंकि K4 जो है ना ये डिप्लॉय करी जाएगी INS अरिहंत के ऊपर, तो दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे ये न्यूज क्या है। इसरो के द्वारा यहाँ पे 368 स्टूडेंट जो हैं उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है युविका नाम के प्रोग्राम के लिए। अभी युविका नाम का प्रोग्राम है क्या, इसमें क्या होगा, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पे 11 मई से लेके 22 मई के बीच में, जहाँ पर इसरो से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी डेवलपमेंट वगैरह है उन सब चीज़ों के बारे में इन बच्चों को क्या किया जाएगा, इनको अवेयर किया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से हैं, क्लास 12 से बच्चे हैं, क्लास 11 से बच्चे हैं, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि युविका नाम का जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसरो के द्वारा इसको शुरू किया गया है। टोटल इसमें कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, तो 368 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। हाँ बिल्कुल, यही और बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच बैंक हैज वेव्ड ऑफ द मिनिमम बैलेंस चार्ज ऑन ऑल सेविंग अकाउंट्स, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अभी हाल ही में जितने भी बचत खाते हैं उनके ऊपर जो न्यूनतम शुल्क होता है ना उसको माफ कर दिया। मतलब अब जरूरी नहीं है कि मिनिमम बैलेंस इतना अगर है तो यहाँ पे, जैसे कि होता है ना, मान लो आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, तो कोई बैंक ये कहता है कि भाई आपके अकाउंट में 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे 10,000 से कम होगा तो आपको यहाँ पे फाइन पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इस तरीके के जो रूल्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए? आंसर विल बी SBI के द्वारा इस चीज को किया गया। अब SBI, ICICI बैंक, यस बैंक, देखो यस बैंक और SBI, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले SBI के बारे में बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, इट्स मुंबई। ठीक है, मुंबई का मतलब महाराष्ट्र में। और RBI का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दैट इज ऑल्सो इन मुंबई। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, इनको अभी हाल ही में बैंकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार जी हैं, और यहाँ पे इनके द्वारा एक डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म भी जारी किया गया है SBI के द्वारा, जिसका नाम क्या है? यूनो। देखा होगा आप लोगों ने यूनो का जो बोर्ड वगैरह, जो एड वगैरह, वो बहुत ज्यादा होता रहता है। युविका समझ नहीं आया, देखो युविका क्या है, इसमें युवा, YU से क्या है? युवा। ठीक है, विका से यहाँ पे मतलब है अवेयरनेस प्रोग्राम। इसरो ने यहाँ पे क्या किया है कि काफी सारे बच्चों को, 300 से ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया है, जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करी जाएगी कि इन फ्यूचर अगर वो साइंस के फील्ड में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से काम करेंगे, उन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि मान लो गगनयान है ना, अब गगनयान मिशन में क्या होगा, चीजें होंगी अलग अलग तरीके से होंगी, अलग अलग सिस्टम यूज किए जाएंगे, अलग अलग कैमरा यूज किया जाएगा, तो ये सब चीजें जो हैं वो कितनी बेनिफिशियल हैं इंडिया के लिए, ये सब चीजों के बारे में इन बच्चों को जागरूकता प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि इन फ्यूचर वो भी इस तरीके से अच्छा काम कर सकें साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ओके, गॉट इट। मैंने नाम नहीं देख पाया था, बट मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज अगर समझ आ गया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, ओके, एग्जैक्टली आप पता है तुम लोग लाइक और शेयर करना क्यों भूल जाते हो, मतलब अब ये दिन आ गए हैं। ओके, टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये है इसकी SBI बैंक की टैगलाइन। आप देखो कहानी यहाँ पे क्या है यस बैंक की। ऑल्दो यस बैंक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था, लेकिन अभी कल से फिर ये न्यूज में आना शुरू हो गया है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटेक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक जो है वो SBI के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, ताकि यस बैंक के जो शेयर्स हैं 49% अप्रॉक्स के जो शेयर्स हैं वो SBI ने बोला कि हम खरीद लेंगे, ताकि यस बैंक जो डूबता हुआ नजर आ रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर फील कर पाए। अब देखो यहाँ पे यस बैंक की कहानी क्या है। राणा कपूर, सबको इनका नाम पता है। अब इनको यहाँ पर अभी देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो इनके ऊपर लगाया गया। यस बैंक ने क्या हुआ था, इतना ज्यादा लोन दे दिया था कि अब इनके ऊपर NPA का जो बर्डन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो बर्डन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये क्या होता है, मान लो कि किसी बैंक ने किसी बिजनेसमैन को यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया, लेकिन वो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, यहाँ पे यस बैंक को जो अमाउंट है वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं NPA। कितना टाइम लिमिट होता है, अगर 90 डेज तक वो अमाउंट वापस नहीं आता है तो उसे हम NPA के अंदर काउंट करते हैं। प्राइवेट, यहाँ पे देखो ना, सिंपल सी बात है, जब हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो भाई देखो चौथे नंबर का ये सबसे बड़ा बैंक आता है ना, प्राइवेट बैंक की अगर बात करो तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक आता है,
तो अब अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो HDFC और यहाँ पे एक्सिस बैंक, इनकी भी तो हालत खराब हो सकती है ना कभी ना कभी। तो यहाँ पे SBI ने क्या बोला कि हम थोड़ा सा इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इनके जो शेयर्स वगैरह हैं, हाँ ये मैंने बता दिया सूरज कुमार, मुझे लगता है आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो यस बैंक आया, तो यस बैंक के बारे में थोड़ी बात करेंगे। 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज को एक्सपीरियंस करते करते इतना ज्यादा एनपीए क्रिएट हो गया। ओके अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच कंपनी हैज लॉन्च डिजी पाइवेट फॉर वुमेन। देखो डिजी पाइवेट फॉर वुमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले तो ये बताओ कि किसकी कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो भी आगे आके काम जो भी वो करती है ना, उनको यहाँ पे और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट लिखा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ गूगल। अल्फाबेट और गूगल इन दोनों के CEO कौन है, तो ये हैं सुंदर पिचाई, अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है अल्फाबेट के CEO के रूप में, ठीक है इतना याद रखना। अमेजॉन देखो मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा हुआ है, अमेजॉन के हेड कौन है, यहाँ पे जेफ बेजोस है। अभी जो एक लिस्ट जारी करी गई थी वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, उसमें नंबर वन पे कौन रहे थे, जेफ बेजोस रहे थे, जिनके पास अमेजॉन कंपनी है। एशिया के पार्ट में मैंने आपको बताया था जैकमा का नाम, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये जो वर्ल्ड रिचेस्ट वाली है, इसमें आपको एक नाम और याद रखना है, दैट इज मुकेश अंबानी। इनकी रैंकिंग क्या रही थी, तो 9th नंबर पे ये देखने को मिले थे, ठीक है। अरे बस करो यार कोरोना वायरस, तुम लोग कितना कोरोना कोरोना करोगे, बस लिमिट खत्म करो इसको। सुंदर पूछाई, गूगल गूगल गूगल, ठीक है ये बात समझ आए। तो यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, वुमेन्स के लिए एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला है। कितने यहाँ पे ऐसे वुमेन्स होंगी जिनको हेल्प मिलेगी, तो अप्रॉक्स 200 वुमेन्स ऐसी होंगी जिनको रीस्किल किया जाएगा। मतलब पहले वो काम तो करती थी लेकिन कुछ वजह की वजह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया या फिर वो आगे काम नहीं कर पाई, उनको रीस्किलिंग का यहाँ पे जो पूरा तजुर्बा है वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो जल्दी से। 9th करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौशल सतरंग स्कीम कौन से राज्य के द्वारा शुरू करी गई है, तो आंसर विल बी यूपी के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया। तो पहले जरा इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, यूपी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। और ये किसको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रही है, यूथ को, जितनी भी नई जनरेशन है उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्कीम शुरू करी गई है जिसका नाम है कौशल सतरंग। कौन से राज्य के द्वारा, यूपी के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया। अब देखो इसमें फोकस क्या किया जा रहा है, एक तो ये स्कीम शुरू करी गई, इसके साथ यहाँ पे आरोग्य मित्र की भी शुरुआत करी गई है। ये क्या करेगा, प्राइमरी लेवल पे जो हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं यूपी के अंदर उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, मतलब ये भी इसका एक पार्ट है। ओके अभी कोई यूपी आया है ना, तो यूपी से हमको क्या याद रखना है कि वल्चर सेंटर अभी हाल ही में डेवलप करने की बात बोली गई है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर डेवलप किया जाएगा यूपी के अंदर। नेक्स्ट देखो मथुरा, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, मथुरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स के लिए एक सेंटर बनाया जा, बल्कि सेंटर क्या, एक हॉस्पिटल डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ एलिफेंट्स के लिए रिहैबिटलाइजेशन सेंटर कहाँ पर है, दैट इज इन केरला, वो केरला के अंदर है। इसके अलावा देखो मथुरा के अंदर अगर आपको याद आ रहा हो तो एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक पशु मेला हुआ था, वो वाला नहीं, सोनपुर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक पशु मेला ऑर्गेनाइज किया गया था जब स्वच्छता प्रोग्राम कैंपेन यहाँ से शुरू किया गया था जब मोदी जी भी आए थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कई बार एग्जाम रुला देती है, तो इसको थोड़ा सा तैयार करके रखना, बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठना। अभी हाल ही में जो बजट लॉन्च किया था यूपी ने, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। ओके दुधवा नेशनल पार्क यहीं पर मिलेगा, नरोरा जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, वो भी यहीं पर, ठीक है। ओके मथुरा करेक्ट। देखो फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट आई ट्राई, मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ होता है तो डेफिनेटली मैं उसको कवर करते हुए चलती हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ सेशन को शेयर भी करते जाया करो, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, अभी हाल ही में एक नई प्रजाति ढूंढी गई है ट्री हॉपर की। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो नई प्रजाति ढूंढी गई है ये किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, सचिन तेंदुलकर, लेडी गागा, तेजस ठाकरे या फिर रोहित शर्मा। देखो तेजस ठाकरे के नाम पे एक स्नेक एक सांप का नाम रखा गया था सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर। ओके अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर होगा लेडी गागा।
ये देखो कुछ यहाँ पे इस तरीके का आपको नजर आ रहा है, और लेडी गागा भी कुछ इसी तरीके की नजर आ रही है। ओके, ये मिला कहाँ पे है? तो ये निकारगा गोवा के अंदर मिला है। अब निकारगा गोवा है कहाँ पर, ये थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। कैपिटल क्या होगी यहाँ पे? मनागुआ रहेगी। करेंसी पूछी जाएगी तो कोर्डोबा रहेगी। कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये नजर आ रहा है आपको कहाँ पर है? ये इधर की तरफ देखो, नॉर्थ पैसिफिक, इधर की तरफ कैरेबियन सी। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है, वहां पर आपको ये लोकेशन मिल रही है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, एक चीज ये पूछी जा सकती है, किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? तो कोस्टा रिका के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। कोस्टा रिका यूजुअली न्यूज में रहता है, तो बी प्रिपेयर्ड अगर इसकी लोकेशन पूछी जाएगी। अब देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निकारगा कुआ जो है वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज के बीच में है। अब अगर हमें यही नहीं पता कि निकारगा कुआ है कहाँ, तो हम उसे आंसर ही नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन सी के बीच में क्या है, निकारगा कुआ लोकेटेड है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आते हैं हम लोग न्यूज के पार्ट पे। 70 लाइक्स ना, हाँ बस यही करो। इंटरनेशनल इवेंट ऑफ योगा डे किस दिन मनाया जाता है, ये तो पहले हम आपको बता ही देते हैं। 21st ऑफ जून को सेलिब्रेट होता है। इस बार के जितने भी इवेंट्स हैं वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो सिंपल आंसर है, सिंपल और स्वीट और कूल आंसर है, दैट इज ले। ले के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लास्ट ईयर अगर देखो तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था रांची के अंदर, यानी कि झारखंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये वाला जो है लेटेस्ट वाला 2020, ये कहाँ पर होगा, दैट विल बी इन ले। अब देखो एक नाम नजर आ रहा है ना, ये दोनों नाम दिख रहे हैं आपको, तो उत्तराखंड की अभी तक सिर्फ एक ही कैपिटल हुआ करती थी, दैट वॉज देहरादून। लेकिन अब इसकी एक समर कैपिटल भी आ गई है, जिसका नाम क्या है, गर्सियन। तो प्लीज इस नाम को ध्यान रखिएगा, ये समर कैपिटल है किसकी, उत्तराखंड की। और अभी हाल ही में आई थिंक लास्ट वीक ही इसको डिक्लेयर किया गया। रायपुर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पर अभी कुछ समय पहले जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसकी बैठक हुई थी। अब देखो फॉर यूपीएससी, सेंट्रल जोनल काउंसिल अगर पूछा जाता है तो आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इसको हेड कौन करता है। जब इसकी यहाँ पे मीटिंग होती है तो इसको हेड कौन करता है, तो होम मिनिस्ट्री इसको हेड करेंगे, यानी कि यहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है, गांधीनगर रहेगी इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी, और इंपॉर्टेंट है मंत्रालय कौन सा है, दैट इज होम मिनिस्ट्री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ जरा यहाँ पे न्यूज के पार्ट पे। न्यूज के पार्ट पे सबसे पहली जो न्यूज है, अगेन मतलब रिचेस्ट पर्सनालिटीज की यहाँ पे बाहर आई हुई है। यहाँ पे क्या है, अमंग फाइव इंडियंस बायजियो एंड जोमैटो, यहाँ से दो नाम आपको नजर आ रहे हैं, WEF's यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट 2020। देखो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी हाल ही में एक सूची जारी करी गई है, किसकी, यंग ग्लोबल लीडर्स की, यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पर जो लीडर्स हैं वो कितने अच्छी तरीके से उभर के आ रहे हैं 2020 के लिए, वो लिस्ट जारी करी गई है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है यंग ग्लोबल लीडर लिस्ट 2020 किसके द्वारा जारी करी गई, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया। इस लिस्ट में कितने टोटल इंडियंस नजर आ रहे हैं, 5 इंडियंस का नाम आया है। अभी 5 इंडियन कौन से, पहले इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बायजूस रविंद्र द्रन। अब भाई देखो बायजूस को अभी लास्ट में अवार्ड्स वगैरह भी कुछ मिले थे, तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जोमैटो से कौन है, गौरव गुप्ता जी रहेंगे। स्वपन मेहता मेहरा, सॉरी, ये किसकी सीईओ है, तो एरो इकोलॉजिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ है, इनका भी नाम इसमें आया है। अगला नाम है यहाँ पे विनीता मुटरेजा, और लास्ट नाम है यहाँ पे तारा सिंह। अब ये जितने 5 नाम है, पांचों नाम नहीं याद रखना, देखो 5 नाम तो हमको भी नहीं याद होने वाले। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर नहीं है ईशा, मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ, वेट। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि 5 नाम है, जिसमें से पहला और दूसरा वाला नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, कोलिग्नी, ठीक है, कोलिग्नी। जेनेवा नहीं देता है, कोलिग्नी देता है एग्जाम में। जेनेवा तो आपको ऑप्शन में दे देगा, लेकिन कोलिग्नी भी ऑप्शन में दिया जाता है। तो जब भी याद करो ना, तो इस वाले नाम को याद करो, कहाँ पर है ये, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके सीईओ पूछे जाएंगे तो कौन है, कॉस सिजवार, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अभी हाल ही में 5th of January, आई थिंक 5 जनवरी का ही दिन था, जिस दिन यहाँ पे 58th मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, किस जगह पर, डेवोस के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी जाती है। हर साल WEF की जो मीटिंग है वो डेवोस के अंदर होती है, प्लीज़ उसको कोलिग्नी मार्क करके मत चले आइएगा। इस बार की 50th रही थी, और इसमें क्रिस्टल अवार्ड्स भी दिए गए थे। क्रिस्टल अवार्ड इंडिया के पार्ट से दीपिका पादुकोण को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखो, ये देखिए भाई, ये आपके जितने भी लोग अभी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, वॉशिंगटन डीसी में पहुंचा दो, मैं तो कह रही हूँ वॉशिंगटन डीसी में ही रखवा देते हैं। देखिए एलपीजी स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये पूरी तरीके से अब खत्म होने की कगार पर आ गई है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न अभी हम लोग बात करेंगे।
यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऐसे राज्य हैं और 5 ही यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केरोसिन मुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी जगह नहीं है, इवन यूपी भी ऐसा नहीं है जो कि केरोसिन फ्री, या जो कि यहाँ पर आपको एलपीजी के जो प्रॉफिट्स हैं वो देखने को मिले हों पूरी तरीके से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूपी के अंदर भी अभी जो कोयला वगैरह, जो कोल वगैरह है, वो भी यहाँ पे किचन्स में यूज़ किया जा रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स वहाँ पे यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। अब ये योजना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो 2019 सितंबर में ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई थी कि एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं टोटल कितनी फैमिलीज़ को, 8 करोड़ फैमिलीज़ को प्रोवाइड किए गए हैं। इस स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ठीक है, उज्ज्वला योजना। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसको, महिलाओं को, विमेंस को ये सुविधा प्रोवाइड करी जाती है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो केरोसिन फ्री स्टेट कौन कौन से हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब अगर हमें ये पता है कि कौन से केरोसिन फ्री स्टेट हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। जोसेफ ऐसा क्यों करने वाले हैं, ओके हाँ यार एक लाइक तो बनता है तुम लोगों से और उम्मीद भी हम क्या करते हैं, आई जस्ट से कि जस्ट लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, दैट वर्क्स एज अ मोटिवेशन, हम लोग के लिए वही एक मोटिवेशन है। अच्छा हाँ 8:30 बजे कनेक्ट होना मत भूल जाना, अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस शुरू होने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और हाँ वो हो सकता है यहाँ ऐसे रूम से नहीं होगा बल्कि स्टूडियो पार्ट से ही मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड 8:30। अब देखो कौन से स्टेट ऐसे हैं जो कि केरोसिन फ्री हो चुके हैं, नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ 3 ही नाम है, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते, हैप से याद रख लो ना, हैप्पी होता है ना, दैट इज हैप, सिंपल याद हो गया, हरियाणा, आंध्र एंड पंजाब। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, तो दिल्ली हो जाएगी, यहाँ पे चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादा नागर हवेली एंड अंदमान एंड निकोबार अलॉन्ग विद पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी, ये वो जगह हैं जहाँ पे आप कह सकते हो कि ये केरोसिन फ्री हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखो यहाँ पे मेडागास्कर, और यहीं पे हम लोग कंट्री भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि दोनों काम तो करने ही करने, कंट्री तो डिस्कस करनी है, तो यहीं पे कर लेते हैं। देखो क्या है, इंडिया ऑफर्ड 600 टन ऑफ राइस टू फ्लड विक्टिम ऑफ मेडागास्कर। मैंने आपको बताया था ऑपरेशन वेनिला के बारे में, कुछ याद आ रहा है, ऑपरेशन वेनिला क्या था कि यहाँ मेडागास्कर के अंदर जो चक्रवात आया था, जो साइक्लोन आया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। अब इंडिया की तरफ से यहाँ पे ऑफर किया गया है 600 टन का जो राइस है वो यहाँ पे पहुँचाया गया है। अब मेडागास्कर को इंडिया ने हेल्प करी है तो ऑब्वियसली बात है कि इससे जुड़े हुए पॉइंट्स और क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी आईएनएस है जिसने इस हेल्प को प्रोवाइड किया है, तो आंसर विल बी शार्दुल। सवाल, ऑपरेशन वेनिला में कौन सी आईएनएस गई थी, मैं नहीं बता रही है, जल्दी से आंसर करो, ऑपरेशन वेनिला में कौन सी आईएनएस गई थी, आईएनएस का नाम बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आईएनएस का नाम मेंशन करो, इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया दैट इज शार्दुल। अब मुझे इसका आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट देखो कौन सा पोर्ट है, तो पोर्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ये पोर्ट का नाम पूछ सकते हैं और आपसे मैच कराने के लिए भी दिया जा सकता है, लाइक डर्बन हो गया, साउथ अफ्रीका में हो गया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पोर्ट पूछ सकते हैं आपसे, लाइक डार्विन पूछ लिया जाएगा, तो इस तरीके से इस पोर्ट का नाम भी याद रखना, एग्जाम में सवाल बन सकता है। एंट सी रा नन कैसे याद रखोगे, आंटी याद रख लो या फिर आंट याद रख लो, आंट मतलब आंटी वाली आंट नहीं, चीटी वाली आंट, सिंपल है, यहाँ पे ईजी है, इसको याद कर सकते हैं हम लोग। एरावत, वेरी नाइस, एरावत बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ जरा मेडागास्कर के पार्ट पे, अफ्रीका का मैप आपको नजर आ रहा है, अफ्रीका के मैप के जस्ट बगल में देखो यहाँ पे मेडागास्कर है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले हम लोग इसकी कैपिटल और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज एंड करेंसी, ये तो बात हो गई। मैप के पार्ट पे आओ, मैप हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये नजर आ रहा है आपको, सिंपली सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, तो इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन है, सिंपल रहेगा, ये याद हो जाएगा। इसके अलावा देखो मोजाम्बिक्यू चैनल है यहाँ पे, नजर आ रहा है, और यहाँ पे मोजाम्बिक्यू कंट्री है, तो पहला सवाल ये बनाया जा सकता है कि मोजाम्बिक्यू और मेडागास्कर के बीच में कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक्यू चैनल। सेकेंडली मेडागास्कर के सबसे पास में कौन सी कंट्री है, मोजाम्बिक्यू है। मेडागास्कर इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ऊपर की तरफ देखो कॉमोरोस नजर आ रहा है, कॉमोरोस एक आइलैंड है, सिंपल रहेगा, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि मेडागास्कर के पास में और कौन सा आइलैंड है, तो आइलैंड विल बी कॉमोरोस, ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई, ओके थैंक यू आकाश। चलो अच्छा आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखो अगली जो न्यूज है वो इंडियन पोस्ट के बारे में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जो डाकघर होते हैं ना उनमें एक नई सुविधा शुरू की गई है कोलकाता के अंदर। कोलकाता में क्या शुरू किया जा रहा है, फ्री डिजिटल पार्सल
लॉकर सर्विस की शुरुआत करी जा रही है, यानी कि यहाँ पे डिजिटल लॉकर प्रोवाइड करे जाएंगे जिसमें एक ओटीपी नंबर भी रहेगा जो कि 7 दिनों तक वैलिड रहेगा। कहाँ पे शुरू हुआ है? कोलकाता के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। 2 डाकघर हैं जहाँ पे इसको सबसे पहले लागू किया जा रहा है। होता क्या है, यानी कि ये सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि वर्किंग है, मतलब जो काम करता है, कई बार ऐसा होता है कि वो घर पे अवेलेबल नहीं होते तो उनकी जो पोस्ट वगैरह है फिर वो पेंडिंग रह जाती है, मतलब उनके तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस शुरू करी गई है। उसमें क्या होगा, एक ओटीपी भी जनरेट होगा जो 7 दिनों तक वैलिड होगा, यानी कि 7 दिनों तक आप जाके ओटीपी नंबर बता के अपना जो पार्सल है वो वहां पे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये शुरुआत कहाँ हो रही है? कोलकाता के अंदर। कोलकाता विच इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व, जलतापारा नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। 4th edition बुक्सा फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया गया वेस्ट बंगाल के अंदर। दुर्गा पूजा के टाइम पे यहाँ पे छऊ डांस फॉर्म होता है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा कोलकाता के अंदर, या कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है, हुगली नदी के किनारे पर है, और यहाँ पे अभी सबसे पहले अंडर वाटर ट्रेन की भी शुरुआत करी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ से वन लाइनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख के, मैंने आपको बोला था ना कि पुरानी वाली जो न्यूज़ है वो हम कवर करते हुए चलेंगे, तो ये जो न्यूज़ है ये 10 तारीख की। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो क्या है, देखो वेंकैया नायडू जी से जुड़ी हुई है। वेंकैया नायडू जी कौन है? ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में भी ये काम करते हैं। अभी इनको हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 का। रिसेंटली इनकी जो किताब है लिसनिंग लीडिंग लर्निंग वाली जो बुक एक नहीं है, वो नाम पूछा गया था SSC के एग्जाम में। तो प्लीज बी प्रिपेयर, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो उन्होंने रिलीज करी हो या फिर इनके नाम से जुड़ी हुई हो, वो आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अगला देखो यहाँ पे वसीम जाफर, सबने इनका नाम सुना हुआ है। इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सारे जितने भी क्रिकेट के फॉर्म्स होते हैं उनसे, मतलब T20 से, इंटरनेशनल में ICC का जो वनडे होता है उससे भी, और टेस्ट मैचेस से भी। अगला है यहाँ पे ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप, ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसको जीता भी किसके द्वारा गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसको हराया है? तो इंडिया को यहाँ पर बीट किया गया है। ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, इसको एस्ट्रिक मार्क के साथ, स्टार के साथ इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर, ओडिशा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट फॉर SHGs। ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि महिलाओं का एक समूह होता है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर अपने लेवल पे, मतलब छोटे छोटे स्तर पे काम करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोला जाता है। अब इनके लिए यहाँ पे ओडिशा सरकार के द्वारा शुरुआत करी गई है मिशन शक्ति की, बात समझ रहे हो, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ पे फंडिंग भी करी जाएगी, ओडिशा सरकार के द्वारा फंडिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी। बड़े दिनों बाद ओडिशा आया है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए। सेकेंडली पुरी के अंदर जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा होती है जिसको कार फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। CM कौन है यहाँ पे? नवीन पटनायक जी हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी हैं। लोकसभा सीट्स रहेंगी यहाँ पे 21, राज्यसभा सीट्स रहेंगी यहाँ पर 10। इसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क, घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? ये ओडिशा के अंदर ही लोकेटेड है। अगली देखो यहाँ पे न्यूज क्या है, नुपुर कुलक्षेत्र, रोहित जी, नॉट ओनली फॉर वुमेन्स, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना ये यूजुअली वुमेन्स के ही लिए होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इसमें मेल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता, बट ये वुमेन्स का ही ग्रुप होता है, मेल्स का भी पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। इवन ये भी होता है कि इनके पास जितना भी पैसा इकट्ठा होता है ना तो वो सब लोग अमाउंट जो होता है ना आपस में जोड़ के रखते हैं कि अगर कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो अमाउंट भी वहां पे शेयर किया जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ कि जोगेश्वर जी, बिल्कुल करेक्ट, मंकी फीवर भी ये एक तरीके की वायरल डिजीज ही है। आज तुम लोग को मंकी फीवर क्यों याद आ रहा है? अभी तो कोरोना बस हमें याद करना है। अगली न्यूज देखो यहाँ पे, इंडियन हॉकी 3rd Annual Award 2019 नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। मनप्रीत सिंह जी को अवार्ड दिया गया है मेंस की कैटेगरी में और रानी रामपाल को अवार्ड दिया गया है विमेंस की कैटेगरी में। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, और मनप्रीत से जुड़ा हुआ एक और अवार्ड है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अभी रिसेंटली क्या इनको कोई अवार्ड मिला था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। दमन एंड दीव एंड दादा नागर हवेली एक हो गए क्या? देखो ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट अभी किया नहीं गया है। जब भी हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो टोटल अगर देखा जाए तो अभी हम लोग 9 काउंट कर रहे हैं। अगर दमन एंड दीव और दादा नागर हवेली ऑफिशियली अगर एक कर दिए जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना।
ऐसा बोला तो गया है कि ये हो जाएगा, लेकिन अभी इसको रिड्यूस नहीं किया गया है। तो जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। बोला तो गया है, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, बट अभी देखते हैं कि ये कब तक पूरी तरीके से अप्रूवल होगा। अगला देखो, मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है उसको रीनेम किया जा रहा है नाना शंकरा शेठ जी के नाम पर। ओके, बताया नहीं अभी तुम लोगों ने। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मुंबई रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो इनके नाम पे रखा जा रहा है। ये सोशल वर्कर भी थे, और मुंबई रेलवे स्टेशन अगर आपको याद आ रहा हो, ईट राइट वाला जो एक वो पूरा चलाया गया था ना स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर, उसके अंदर भी यही मुंबई वाला जो रेलवे स्टेशन है उसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे बंगाली एक्टर शांतु मुखोपाध्याय, इनका एक और नाम है शांतु मुखर्जी, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो एग्जाम पार से पूछा जा सकता है कि कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे, तो ये यहाँ पर एक्टर थे। अब ये वाला देखो, ये वाली जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी बात करी कि वल्चर्स के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा यूपी के अंदर, यही तो मैंने अभी आपको बोला। अब वल्चर्स के लिए एक रेस्टोरेंट भी खोला जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो गिद्ध होते हैं ना, जो वल्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, यही तो बोला जाता है। तो अब यहाँ पे इनके लिए एक रेस्टोरेंट खोला जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे ये फीड कर पाएंगे इजीली। और किस जगह पर है, तो पोंग डैम के पास में आपको ये रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। जरा मुझे ये बताओगे, पोंग डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, नेम ऑफ द रिवर, नदी का नाम बताओ, स्टेट कौन सी रहेगी, स्टेट रहेगी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम कौन सी रिवर पर है, नेम ऑफ द रिवर, नेम ऑफ द रिवर, जल्दी से आंसर करो। या देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, अभी 8:30 बजे मेरे साथ यहीं यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट होना मत भूलिएगा, क्योंकि अन अकेडमी के जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आने जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो मेरे साथ कनेक्ट होना है कितने बजे, 8:30 बजे भी। अब देखो स्पोर्ट्स पार्ट से यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या क्या है। अरे हाँ आकाश, मतलब खुशी देखो, भार्गवेंद्र, हाँ नहीं आपका नाम सच में बहुत खतरनाक है, मेरे को तो याद भी ना हो। अब देखो यहाँ पे एशियन और ओशियानियन बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स इवेंट जो है ये अभी हाल ही का ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया, सवाल में ये पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बॉक्सिंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर, अमान के अंदर, अमान इज अ कैपिटल ऑफ जॉर्डन। ठीक है, नूर सुल्तान किसकी कैपिटल है, ये कजाकिस्तान की है, और यहाँ पर अभी ऑर्गेनाइज किया गया था डेविस कप का मैचेस। सना किसकी कैपिटल है, तो ये कैपिटल हो जाएगी यमन की। नई दिल्ली किसकी कैपिटल है, मतलब यही और बचा था पूछने के लिए, इट्स इंडिया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तो ये जब अभी ऑर्गेनाइज किया गया तो यहाँ पे मैरी कॉम का नाम आया है, इसके अलावा सिमरनजीत कौर और विकास कृष्णन, ये तीन नाम अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि तीनों जो है कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। खेल का नाम याद रखना है, स्पोर्ट्स का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स, ऑब्वियसली बात है टोक्यो लिखा हुआ है तो जापान में ही होंगे, थोड़ा सा खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो लेट्स सी ओलंपिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि नहीं। टोक्यो के बाद ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, पेरिस के अंदर होंगे, उसके बाद लॉस एंजलिस के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया की तरफ से टोटल 9 इंडियन बॉक्सर्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34th नेशनल स्नूकर टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, आंसर, एक मैराथन क्लास लेकर आया जाए सीएचएसएल के लिए। ओके चलिए, इसके लिए हम एक काम करते हैं, सर से बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। बताओ ये 34th नेशनल स्नूकर टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो ऑब्वियसली बात है जब स्नूकर आएगा तो यहाँ पे पंकज अडवाणी का नाम ही आने वाला है। अब देखो स्नूकर और बिलार्ड्स के बीच में ना कई बार बहसबाजी हो जाती है, मेरी बहसबाजी हो जाती है लोगों से, तो यहाँ पे जरा प्लीज इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम गेम होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ बॉल्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने टोटल कितने टाइटल्स जीत लिए, भाई 23 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन ये रह चुके हैं पंकज अडवाणी, तो इनके नाम के बारे में अब क्या कहा जाए। क्लिंचेस दी नेशनल 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप, यहाँ पे इन्होंने किसको हराया है, तो महाराष्ट्र के ईशप्रीत सिंह को हराया है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो अहमदाबाद के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब आ जाओ यहाँ पे स्टेट के पार्ट पे, स्टेट के पार्ट पे जरा हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, तो लेट्स मूव टू दी उत्तराखंड। देखो कैपिटल क्या है, देहरादून, और अभी समर कैपिटल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिए। इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, यूपी से अलग होके 9th of November 2000 को इसकी फॉर्मेशन करी गई, देवभूमि के नाम से इसको भी जाना जाता है। टोटल कितने यहाँ पे जिले हैं, 13 हो जाएंगे। लैंग्वेज कौन सी रहती है यहाँ पे, हिंदी लैंग्वेज। रिवर्स कौन सी है, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी और रामगंगा। रामगंगा के किनारे पर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा, जिसका पुराना नाम क्या था, हेलीस नेशनल पार्क।
अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है देवप्रयाग, जहां से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा फूलदेई और खटारुआ, ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। आईपिन नाम की जो फोक पेंटिंग है, ये कहाँ की है? तो दिस इज ऑफ उत्तराखंड। अगला देखो, कौन कौन से स्टेट हैं या कंट्रीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? हिमाचल प्रदेश, चाइना का तिब्बत वाला रीजन, नेपाल, यूपी एंड हरियाणा। ओके, अब देखो, अच्छा चाइना आया था। माना पास, माना दर्रा जो है वो किसका है? ये भी उत्तराखंड के अंदर ही लोकेटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इतने सारे राष्ट्र उद्यान हैं जो आपको उत्तराखंड के अंदर मिलते हैं। लोकसभा सीट्स हो जाएंगी 5, राज्यसभा सीट हो जाएंगी 3। इसके अलावा भोतरिया ट्राइब डांस, देखो होता क्या है कि जो ट्राइब्स वगैरह होती है ना, जरूरी नहीं है वो किसी पर्टिकुलर एक ही स्टेट में मिलती हैं। अब जैसे कि मैंने बोला भूटियाज, अब आप बोलोगे मैम ये जो ट्राइब है ये तो जम्मू कश्मीर में मिलती है, हिमाचल में मिलती है, ये उत्तराखंड में कैसे मिल सकती है? तो ऐसा नहीं है, ये उत्तराखंड में भी है, ठीक है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे धौली गंगा डैम बना हुआ है, कौन सी रिवर के ऊपर? धौली गंगा के ऊपर। कोटेश्वर डैम है, कौन सी नदी के ऊपर? भागीरथी नदी के ऊपर। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, लखवार डैम जो है, ये जो बांध है, कौन सी नदी पर है? यमुना नदी के ऊपर ये लोकेटेड है। इतनी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या, इसका स्टार्टिंग की बात करी ना, अब स्नो लेपर्ड सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, कौन सी स्कीम है, दाल योजना कहाँ की, ये सारी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले क्लास में, यानी कि ऑन मंडे। मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे इसका करंट अफेयर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे आगे, ये है आपके लिए होमवर्क का पार्ट, लेकिन होमवर्क देके हम कहीं जा नहीं रहे हैं, होमवर्क देके हम दोबारा से आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं इसी सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम चैनल पे, 8:30 बजे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं अन अकेडमी के जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू होने वाले हैं उनके बारे में। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना, एंड प्लीज डिटेल में आंसर करना, डिटेल में आंसर करोगे प्रॉफिट आपका ही है। सेशन अगर पसंद आया करे तो प्लीज उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट शेयर होता है, मतलब ज्यादा चिटचैट नहीं होती। आओ कंटेंट देखो और आप आराम से वहां से वापस जा सकते हो। दिस इज अ लिंक और ये अच्छी सी क्यूट सी प्यारी सी इमेज भी मैंने लगाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स भी बन गए थे, तो मैंने सोचा फॉर अ चेंज कुछ करना चाहिए। बात समझ में आ गई? गॉट इट? तो हाउ वाज द सेशन? लास्ट में ही पूछना तो बनता ही है। अब यही जो क्लासेस हैं इनके बारे में अभी हम आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं 8:30 बजे, तो बी प्रिपेयर्ड। 8:30 बजे अपनी चाय कॉफी लेके, ब्रेकफास्ट लेके बैठ जाइएगा, सेम चैनल रहेगा, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे ही आपके साथ कनेक्ट होंगे। 10 to 15 मिनट्स का सिर्फ आपका समय लिया जाएगा, जहां पे आपको बता दिया जाएगा कि अन अकेडमी पे जो 20,000 फ्री क्लासेस आने जा रहे हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए होंगे। क्या हम वहाँ पढ़ाएंगे? क्या रोहित सर वहाँ पढ़ाएंगे? या बाकी जो फैकल्टीज हैं, क्या रोहन सैनी सर वहाँ पढ़ाएंगे? तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम वहाँ पे बताने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा। इसके अलावा DRDO के बैचेस, SBI के मेंस के बैचेस, SSC बैचेस एंड रेलवे बैचेस आपके लिए लाइन अप कर दिए गए हैं, आप वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम भी पढ़ा रहे हैं, रोहित सर भी पढ़ा रहे हैं, आकाश सर और हितेश सर, एंड जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पे संदीप सर के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कोड विल बी वाईफाई चार्म। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अभी 8:30 बजे, तब तक के लिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए और जल्दी से कनेक्ट होना मत भूलिएगा। बाय बाय।